अब आइए एक विशेष बात मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ, जिसको सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा। रामायण का पाठ घर में क्यों करना चाहिए? अच्छा जी, जितने भी फेसबुक पर यूट्यूब पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब सुने, रामायण का पाठ क्यों करना चाहिए? पहली बार ये मैं निवेदन कर रहा हूँ और ये सुनकर के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये बताइए, मंगला बोली व्रत कथा सुनाइए, अवश्य करना चाहिए। जीवन की काया पर जाएगी महाराज। अच्छा, आपका मकान पर विश्वास रखते हैं? बिल्कुल, बिना मकान आप कर्मकांड पर विश्वास रखते हैं? नित्य संध्या करते हैं? आज मंगलवार है, मंगलवार के लिए क्या कहना चाहोगे? मंगलवार के लिए यही कहना चाहूंगा कि आज मंगलवार के दिन मंगलागौरी की जो कथा है, मंगलागौरी की जो पूजा है, अर्चना है, वंदना है, धूप है, दीप है, चावल है, पतासे से पूजन करना चाहिए और मंगल के दिन तो भगवान हनुमान जी का भी ध्यान करना चाहिए। मैं एक कथा सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक यह है कि रामायण का पाठ क्यों करना चाहिए। सुनिए, वर्णन किया गया, यस्त नास्ति गृहे शक्यो खाद्यं रामायणः स्वयं, जिसके घर में रामायण है रखी है। वर्णन है, कहा गया है जहाँ पर रामायण है वहां सब परिवार का कल्याण होता है, वहां आनंद होता है, वहां समृद्धि होती है। फिर कहा गया कि जहां पर कभी भी रामायण का पाठ नहीं हुआ तो शमशान रूम तद्वाटी पितृदेव विवर्जिता, उस जगह पर पितर तो प्रसन्न होते ही नहीं और उस जगह को शमशान रूम की तरह माना गया है, जिस घर में रामायण पाठ नहीं। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण हो, बाबा तुलसी की रामायण हो, घर में रामायण जरूर होते। देखो, मैं तो बिना प्रमाण के तो कोई बात करता नहीं। इसके सातों सोपान का पाठ करने का एक बहुत बड़ा प्रभाव, जैसे कहा गया है, बड़ी सुंदर बात कही गई, बच्चों का जन्मदिन वो होता है या आपकी शादी की तिथि है, उस दिन घर में रामायण के अयोध्या कांड का पाठ लिखा है। पुत्र जन्म विवाहाद गुरु दर्शन एवं च पठे च सुन या चैव द्वितीय कांड मुक्तम। द्वितीय कांड कौन सा? अयोध्या कांड है। इसका मतलब पुत्र जन्म विवाहाद, पुत्र का जन्म हुआ है या पुत्र की जन्मतिथि, उसका जन्मोत्सव आप मना रहे हैं, या बच्चों का विवाह कर रहे हैं, भावर पढ़ने से पहले दूल्हा ससुराल जावे उससे पहले रामायण का अयोध्या कांड करेंगे। रामायण का अयोध्या कांड गीत चौपाई हजार दिन थे, जब भगवान का विवाह हुआ था अवध में बड़ा आनंद हो रहा था, तो पुत्र जन्म विवाह तो गुरु दर्शन एव च, ठीक है, गुरुजनों के दर्शन करते हैं आप, गुरु महापुरुषों से आप जुड़े हुए हैं, तो गुरु दर्शन दिवस पर, गुरु दर्शन दिवस कौन सा होता है? पूर्णिमा, इसको विशेष माना गया। हर पूर्णिमा, हर पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन पाठ कीजिए अयोध्या कांड, बच्चों का जन्मदिन मनाते हो पाठ कीजिए अयोध्या कांड का, आपकी शादी की तिथि पड़ती है पाठ कीजिए अयोध्या कांड का। तो वर्णन है, पठे सुनिया चैव द्वितीय कांड मुक्तम, वर्णन है कि द्वितीय कांड अयोध्या कांड है, इससे बहुत ज्यादा सुख होगा, इससे बहुत ज्यादा मंगल होगा, ये वर्णन किया गया। उसके तत्पश्चात वर्णन किया गया है, कहा गया कि यदि घर में कोई रोग ग्रस्त है, कहीं किसी को बीमारी है या किसी के मकान दुकान में अग्नि का प्रकोप हो गया, कुछ जल गया है, उसके लिए अरण कांड का पाठ करना चाहिए। ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, बृहत धर्म पुराण है मेरे पास, इस विषय में वर्णन किया गया है। या कोई राजा से पीड़ित है या किसी के ऊपर राज केस लगा हुआ, ऐसी कोई दिक्कत, देखिए मैं सभी भक्तों को कहना चाहूंगा इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, रामायण के अरण कांड का पाठ करने से घर में अग्नि में नहीं है, अग्नि का प्रकोप, अग्नि भय, ऐसी समस्या, बीमारी नहीं पड़ेगी, या घर में कोई बीमार है तो उसको रामायण का अरण्य कांड सुनाइए।
अरे दिखाए ना आपको, मने रात खुले वहनी जल पीड़ा हेतु नर का, पानी में डूबने का भय, आग में जलने का भय, समाप्त हो जाता है कब, पठेद अरण्यकम कांडम सुवियाभासमंदरी। यदि अरण्य कांड का पाठ आप सुनेंगे या सुनाएंगे तो इससे मंगल ही होगा, कभी अशुभ नहीं हो सकता। तो रामायण के अरण्य कांड की इतनी बड़ी सभी भक्तों के बाद में तो चीजें बड़ी खोज खोज करके लाता हूँ, और आप भले ही 70-80 साल के हो गए जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन ये बातें आपने नहीं सुनी होंगी जो आपके बीच में जो बातें रखी जा रही हैं। रामायण का अयोध्या कांड का पाठ करने से, रामायण के अयोध्या कांड की ये विशेषता है, घर में बहुत आनंद होता है, पुत्र के जन्म पर, विवाह पर, गुरु दर्शन पूर्णिमा के समय पर अयोध्या कांड का पाठ करें। तत्पश्चात घर में कोई रोगी है, बीमार है, कोई राज है, या घर में कभी किसी प्रकार का अग्नि का प्रकोप हो गया, तो उसके प्राश्चित के लिए अरण्य कांड, फिर रामायण के अरण्य कांड का पाठ करना चाहिए। काफी भक्त लोग आप जुड़ गए हैं, आप लाइव जुड़े हुए हैं इस समय, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और तत्काल वीडियो को आगे भी भेजिए, क्योंकि ये बात मैं पहली बार सुना रहा हूँ और बड़ी अद्भुत बात है। अब उसके तत्पश्चात मैं फिर कहना चाहूंगा आपको, दो मित्रों ने व्यापार किया और ये व्यापार में ये मित्रता कभी टूटे नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ कभी कोई बेईमानी ना करे, और बड़ी सुंदर बात कही गई है, मित्रों से लाभ मिले, अपनों से लाभ मिले, उसके लिए बड़ी अच्छी बात कही गई है। क्या है उसके लिए? किष्किंधा कांड का पाठ। प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को इसी कांड में, इसी सोपान में तो अपना मित्र बनाया, तो इसमें वर्णन किया गया कि मित्रता कभी टूटे, मित्र से लाभ मिले, और उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा चाहिए जो मित्र के साथ में व्यापार किए हुए हैं, जो अपना ज्वाइंट व्यापार किए हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मेरा मित्र मुझसे अपोजिट हो रहा है, तो यह समझ लीजिएगा कि आप इस लाभ के लिए आपको रामायण के किष्किंधा कांड का आपको पाठ करना चाहिए। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, मित्र लाभी तथा नष्ट गवेषण, आपका पैसा नष्ट हो रहा है, बाजार में पैसा मारा जा रहा है, आपके अपने ही आपके पैसे को दे नहीं रहे, तो इसके लिए बड़े प्रमाण के साथ बोला जा रहा है रामायण के किष्किंधा कांड का पाठ करना चाहिए। जितने भी भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, बाजार में आपका पैसा मारा गया, वापस आ नहीं रहा है, कैसे भी अपनों ने आपका पैसा हड़प लिया है, मित्र ने पैसा नहीं दिया, या मित्र बेईमानी करने के लिए उतारू हो रहा है, तो ढीका दिया जला करके रामायण के किष्किंधा कांड का पाठ कीजिए, आपको आपके कार्य में सफलता मिल जाएगी। प्रमाण है मित्र लाभे तथा नष्ट द्रव्यस्य, आपका द्रव्य नष्ट हो रहा है, आपका पैसा समाप्त हो रहा है। श्रुत्वा कृत्वा किष्किंधा काण्डं तत्त्वपनं वदेत्, या तो किष्किंधा कांड को सुनिए और या फिर उसको पढ़िए, इससे आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। जो आपके धन की, पैसे की, जमीन जायदाद की जो बेईमानी करने में लगे हुए हैं, आपका पैसा आपके पास से फिर आ जाएगा। रामायण के किष्किंधा कांड का इतना बड़ा प्रभाव है, कितनी नई बात सुनने के लिए मिल रही है। और इससे आगे की बात सुनिएगा, आगे की बात क्या है, पिता की माता की कोई तिथि पड़ती है, श्राद्ध का समय, अमावस्या का समय, ऐसे समय पर आप रामायण के सुंदर कांड का पाठ करें, बहुत ध्यान से सुनिए। माता पिता की तिथि है, सास ससुर की तिथि बढ़ रही है, या अमावस्या को आप कोई पितृ श्राद्ध कर रहे हैं, उसके लिए रामायण के सुंदर कांड का पाठ कीजिए, इससे पितर तृप्त हो जाते हैं। अब मैं श्लोक बोल रहा हूँ, फिर तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। थाईलैंड वाले आचार्य जी क्या कहेंगे आप? मैं तो बहुत ही सुंदर कांड की महिमा क्या कही जा रही है, श्राद्धेशु देव कार्येशु पठेत सुंदर कांड का, देखा श्राद्धेशु देव कार्येशु पठेत सुंदर कांड का, इसमें लिखा है देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं आप, नई प्रतिमा खरीद करके लाए हैं, मंदिर में स्थापित कर रहे हैं, या आप गृह प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं,
या बच्चों की सगाई करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं आप देव कार्य और पितृ कार्य में, सुंदर कांड बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। लिखा है श्राद्धेशु देव कार्यु पठेत सुंदर कांड कम सत्तुर जय समुसादे जन वाले विगर्यते। वर्णन किया गया कि इसके द्वारा तुम शत्रु के ऊपर विजय कर लोगे। इतनी बड़ी महिमा है। और मैं कहना चाहूंगा जितने भी पुलिस में लगे हुए हैं, फौज में लगे हुए हैं, शत्रु को जीतने के लिए उन्हें सुंदर कांड का पाठ करना ही जरूरी है। रोज नहीं कर पाते तो मंगलवार को कर लो, जिस दिन आपको सुविधा होती है उस दिन कर लो। ये रामायण के एक एक सोपान की बात मैं कर रहा हूँ, ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है, उसी के माध्यम से बात मैं कह रहा हूँ। देव कार्य में, पितृ कार्य में और दुश्मन को जीतने के लिए सुंदर कांड का पाठ कीजिए। आपको यह लगता है कि फला आदमी मेरा दुश्मन है और वो मेरे ऊपर वार कर सकता है, उसके लिए सुंदर कांड का जो पाठ है वो आपको निर्भय कर देगा। श्राद्धेशु देव कार्येषु पठेत सुंदर कांडकम सत्तु जय समुसाये जन वादे विगर्यते। जहां घर में आपस में कलह होता है, विवाद होता है, भाई भाई में विवाद है, पुत्र और पिता में विवाद है, तो ऐसा विवाद बिल्कुल सुलझ जाता है रामायण के सुंदर कांड के पाठ करने से। ये महिमा सुंदर कांड की है। मैं इस श्लोक को प्रमाण करके ये बात बोल रहा हूँ और आपके मैसेज भी आ रहे हैं और उनको भी मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। ये वीडियो तो आगे इसको भेजू लोगों के पास तक यह वीडियो पहुंचे, ये बहुत ज्यादा काम की वीडियो है। उसके तत्पश्चात आता है अब लंका कांड। लंका कांड की बहुत बड़ी महिमा है। मानव देवकार पितृश्राद्ध, ये तो सुंदर कांड हो गया, लेकिन अब वर्णन किया गया है कि लोक निंदा से बचने के लिए, आपकी कोई बुराई नहीं कर पाएगा, आपकी कोई आलोचना नहीं कर पाएगा। और एक बहुत बड़ी बात मैं कह दूं, जहां परिवार के साथ मोह हो रहा है, भजन करने में मन नहीं लगता, बच्चों की आपको चिंता होती है अब क्या होगा, इनके लिए नहीं हुआ, इनके लिए मकान नहीं, इनके लिए दुकान नहीं, इनके लिए पैसा नहीं, तो ये सब मोह में ही आता है। जो आपको इतनी चिंता है और वो चिंताएं आपको डायबिटीज का मरीज बना रही है, वो चिंताएं हार्ट अटैक तक लेकर के जा रही है। परिवार संसार की चिंताओं से मुक्त होने के लिए रामायण के लंका कांड का पाठ करना चाहिए। ये लंका कांड इतना अद्भुत है। लंका कांड पठेत किंबा सुरिया सरस्वती भवेत। जो लंका कांड का पाठ करेगा वह संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव रामायण के लंका कांड का है। और उसके तत्पश्चात अब सुनिए लंका कांड के बाद क्या आता है। लंका कांड के बाद में आता है उत्तर कांड। अवश्य वर्णन किया जो लोग एक लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं, घर से कहीं लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, या आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, या आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, भाई साहब या आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया या पठे सुनियाद्वापी काव्यम सर्वम मतः हरम तस्वक्षामी शुरुम विजय जय। लिखा है ज्ञानार्थी लभते ज्ञानम ब्रह्म तत्व गुलंबका मोक्षार्थी लभते मोक्षम भक्तार्थी भक्तमेव चः। इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, इसके लिए उनको उत्तर कांड का पाठ करना चाहिए। रामायण के उत्तर कांड का पाठ करने से विद्यार्थी पहली बार विद्या पढ़ने के लिए जा रहा है, स्कूल के लिए जा रहा है, उसका नया आपने एडमिशन कराया है, वो स्कूल के लिए जा रहा है, आप किसी लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो इसमें बड़ी सुंदर सी बात कही गई है। इसके लिए रामायण के उत्तर कांड का पाठ करना चाहिए यात्रा के जा रही या पठे सुनियाद्वापी कांडम अभ्युदय उत्तरम अभ्युदय उत्तरम उत्तर कांड है ये आनंद कार्य यात्रायाम सजयी प्रतुत्र। चार धाम के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप पोस्टिंग पर जा रहे हैं, तबादला हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, दूसरी जगह आप जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको रामायण के उत्तर कांड का पाठ करना चाहिए। इतना बड़ा प्रभाव है। और किसी नारी के गर्भ में संतान है या किसी के बच्चे को आप गोद स्वरूप ले रहे हैं, उस समय आपको रामायण के बाल कांड का पाठ करना चाहिए। बहुत अद्भुत है। गर्भिणी नारी रामायण के मान बाल कांड का पाठ करें।
बच्चों का नाम संस्कार आप करने के लिए जा रहे हैं, उस दिन भी आप रामायण के बाल कांड का आप पाठ करें, बच्चों का कर्णक छेदन जिस दिन होने के लिए जा रहा है उस दिन भी रामायण के बाल कांड का पाठ करें। तो ये रामायण के सातों श्लोकान है, वो बड़े अद्भुत है, बहुत आनंद देने वाले हैं। इसकी रात पुत्र गोपनता ब्रह्मा हिंसार का स्वाप गुरु भार्य गुरुदेव रामायण का पाठ करने से स्त्री का हरण करने वाला, यहाँ तक लिखा है माता पिता का अपमान करने वाला व्यक्ति भी, स्वर्ण की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, गुरु के साथ लड़ने वाला व्यक्ति, दूसरों की संपत्ति का हरण करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी माना गया है। रामायण के सातों कांडों का पाठ करने से वह भी इतने बड़े अपराध से मुक्त हो जाता है, लेकिन शर्त यही है कि द्वारा से प्रभु गलती ना करे। क्या अद्भुत रामायण के एक एक सोपान के पाठ करने की बात कही है, और मुझे विश्वास है हुआ मुझे विश्वास है कि बात आपकी समझ में आई होगी, और शायद बहुत ज्यादा ही लाभान्वित होंगे, इससे हमारे सनातन धर्म को ताकत भी मिलती है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार्य जी का क्या बोलना चाहिए जो हमने रामायण की जानकारी लोग महाराज जी चंद्र रामायण के सातों कांडों का भाव सुन करके इतना प्रसन्न हो गया, जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। विद्या पढ़ने के लिए कौन सा काम करना चाहिए, साझेदारी मित्रता के लिए किस गंगा काम को आपने बता दिया, लड़ाई झगड़े अन्य कार्यों के लिए आपने कहा कि अरे ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान रामायण में नहीं है, पता नहीं लोग क्यों पाठ नहीं करते, इसका पाठ होना चाहिए। देखो प्रमाणित, और ये बातें भगवान व्यास ने लिखी, भगवान वेद व्यास के द्वारा कही है, बात बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत है। देखिए इसमें वाल्मीकि रामायण की बात कही गई है, लेकिन याद रखिएगा वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लोगों की समझ में नहीं आ सकता, मैं ऐसे वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए और जन कल्याण के लिए उन्होंने रामचरित मानस का सृजन किया है। इसलिए रामचरित मानस का पाठ घर घर में होना चाहिए। आप पूरी रामायण का पाठ नहीं कर सकते हैं तो एक एक सोपान एक एक कांड का कौन से समय पर कौन से सोपान का कांड का पाठ करें, तो एक एक करके ये बात आपके बीच में कही गई है। आचार्य जी कुछ बोलोगे? महाराज जी मैं तो इतना प्रसन्न हूँ कि जो गर्भस्थ नारी के लिए अपने बाल कांड के लिए करते हैं, पूरे गृहस्थ जीवन के लिए आपने अयोध्या कांड के लिए किया, और किसी का लेन देन है झगड़ा जुटते हो जिसके लिए आपने लंका कांड के लिए कहा, मित्रता के लिए आपने आपस में दुकानदारी कर रहे हैं सहदारी कर उसके लिए आपने किस कंधा कांड को कर दिया। अब हमें ऐसी ही कथाएं लोगों को सुनाएंगे, बहुत सोचना कमर सिद्धा का मैसेज आया कि ये वीडियो तो अलग से भी डालनी चाहिए बेटे, ये वीडियो अलग से डालनी चाहिए, एक एक सोपान अलग अलग करके इंस्टाग्राम पर जाना चाहिए, फेसबुक पर जाना चाहिए और यूट्यूब पर इसकी छोटी छोटी वीडियो बना करके लोगों के पास तक पहुंचाया जाए, लोगों को पता तो लगे कि हमारी रामायण कितनी ताकतवर है, इससे कितना बड़ा कल्याण होने वाला है, हर प्रकार का समाधान है, बाल कांड से लेकर के और जो उत्तरकांड तक की जो बात कही गई है, तो इतना बड़ा उसका प्रभाव है। रामायण संपूर्ण पापों को समाप्त कर देती है। बहन स्मिता तिवारी आपने भी लिखा है रामायण के सात सोपान की अद्भुत जानकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने लेकर भेजा है। तो आज की वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, आपके मोबाइल में जितने नंबर है उन सब नंबरों से ये वीडियो आगे पहुंचनी चाहिए। सबसे पहले हमने मंगला गौरी के व्रत की बात कही और उसके तत्पश्चात रामायण के सात सोपानों का अद्भुत प्रभाव है। हमें आज मंगलवार के दिन सुना रहे हैं, हमारी तो जिभ्याई धन्य धन्य हो गई है, बहुत आनंद हो गया है। कथा के टाइमिंग्स वही है 12:30 बजे व्यासपीठ पर पहुंचना है, 4:30 बजे तक कथा चलती है, और अब मैं चलते चलते एक बार आपको निमंत्रण दे दूं, 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक 15 दिवसीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ और राम कथा का पवित्र आयोजन गौ महा महोत्सव बिल्कुल जबलपुर की धरती संस्कार की राजधानी कहा गया है। तो यह माता नर्मदा के पवित्र किनारे पर माँ नर्मदा कुंभ मेला ग्राउंड में अद्भुत आयोजन गौ माता के लिए होने के लिए जा रहा है, इसमें आप सब जुड़े, तारीख याद रखिए 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक 16 सितंबर तक 16 सितंबर की पूरा होती है।
इसकी विशाल कलश यात्रा 1 सितंबर को दोपहर 11 बजे से आरंभ होगी गुप्तेश्वर महादेव से यह यात्रा निकलती होगी और यह यात्रा पहुंचेगी ग्वारीघाट मां नर्मदा कुंभ मेला ग्राउंड में पहुंचेगी। राम कथा का भव्य आयोजन होगा। 351 घंटे तक अनवरत अवधियां श्री शुक और गणेश अथर्व सिंह के द्वारा अवधियां लगेंगी जिससे गौर कन्यादि का नाश होगा, गौर गर्भता का नाश होगा, सब बुद्धिमान बनेंगे और दिवाली से पहले आयोजन होने के लिए जा रहा है। आप सब लोग उसमें जुड़िएगा और मैं कहूंगा 15 दिवस के इस अखंड यज्ञ के यजमान बनने के लिए छोटी सी सहयोग राशि रखी गई है, 11,000 रुपए का सहयोग है, उसमें आप जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे भेजिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सबका मंगल हो। अभी हमारी पूजा काफी अधूरी है, अभी हमारा अभिषेक वगैरह रह गया है, अब हम उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। आप सबका मंगल हो। प्रभु चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना। जय जय श्री राधे।